Hello dear students, welcome back. Today we will start a new subject, general knowledge, and chapter number 1, name of the chapter is our national leaders and their slogans. Subject GK, chapter number 1, our national leaders and their slogans. Pictures of some of our nation leader. कौन से leader? National leader की pictures दी हुई है, ठीक है? Given below. Each of them has given a slogan. क्या दिया हुआ है national leaders ने? Slogans दिए हैं हमें, okay? Under each picture, write the name of the leader and write their slogan against the picture. हमें क्या लिखना है? हमें जो पिक्चर दी हुई है उसका नाम लिखना है. राइट द नेम ऑफ द लीडर एंड राइट देयर स्लोगन्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? देखिए यहाँ पे ना हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. ओके ये हमारे ऑप्शंस है, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है और जो पिक्चर दी हुई है वहाँ पे उनके नाम लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए हम देखें उन पिक्चर्स को. तो सबसे पहले यहाँ पे है महात्मा गांधी जी की पिक्चर, है ना? महात्मा गांधी, ये देखिए नंबर 1, ये जो है वो महात्मा गांधी है. उन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था? उन्होंने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो. ठीक है, डू और डाई का स्लोगन दिया था. अभी हम तो महात्मा गांधी बोलते थे, महात्मा गांधी हमेशा सुनते आ रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है मोहनदास के गांधी. ठीक है, तो गांधी सरनेम है, मोहनदास नाम था, के फादर के नेम का शॉर्ट लिखा हुआ है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं. उसका स्लोगन है डू और डाई, याद रखना. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है नंबर 2, देखिए ये पिक्चर है पंडित जवाहरलाल नेहरू का. किसका पिक्चर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू. देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है. पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो स्लोगन था, उन्होंने स्लोगन दिया था आराम हराम है. ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्लोगन था आराम हराम है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? समझ में आया? चलिए हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़े. नंबर 3 पे है, ये नंबर 3 पे जो इमेज दी हुई है वो है लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो स्लोगन दिया वो था जय जवान जय किसान. ओके, कौन सा स्लोगन दिया था? जय जवान जय किसान. अंडरस्टूड? जवान मीन्स हमारे जो ये बॉर्डर पे जो ऑफिसर्स आर्मी वाले हैं वो जवान हैं. हमारे नेवी में हैं जो, वो भी हमारे जवान हैं. एयर फोर्स में जो हैं, ठीक है, वो भी हमारे जवान ही हैं. किसान मीन्स फार्मर. समझ में आ गया? जय जवान जय किसान. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, आप पहचानते हैं इनको? पता है आपको? ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम. सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट वाली जो इमेज है वो हमको यहाँ पे दी हुई है लोकमान्य तिलक. कौन है ये? ये है लोकमान्य तिलक. ओके स्टूडेंट्स, तो लोकमान्य तिलक जो है उनका स्लोगन था फ्रीडम. देखिए ये रहा स्लोगन, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. फ्रीडम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेके रहूँगा. ठीक है, फ्रीडम मीन्स आज़ादी. हम आज़ाद रहें, अपने देश में घूम फिर सके, खा पी सके, ये हमारा अधिकार है और मैं ये
लेके रहूंगा, ऐसा कहा था लोकमान्य तिलक जी ने। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट में है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी का स्लोगन है हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये जो इमेज दी हुई है इसका नाम, ठीक है, किसकी इमेज है, ये हमारे कौन से नेशनल लीडर्स हैं उनका नाम याद रखना है एंड उनके जो स्लोगन्स हैं वो भी हमें याद रखने हैं।